Hello, students. How are you? It is your social studies class, and we will read chapter 1, part 5. The chapter name is Our Country India. Students, in our previous video, we have learned about the southwest monsoon. एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून नाउ इन दिस वीडियो वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट रीट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन मीन्स साउथ वेस्ट मानसून जब रिवर्स होता है तो इंडियन क्लाइमेट कैसा होता है अराउंड द मंथ ऑफ सेप्टेंबर

कम हो जाता है द एयर प्रेशर बिगिनस टू बिल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया में एयर प्रेशर बढ़ने लगता है दिस कॉजिज द कोल्ड विंड्स टू क्रॉस ओवर द हिमालयस ऐसा किस लिए होता है स्टूडेंट्स ऐसा हिमालय की तरफ से आने वाली विंड्स की वजह से होता है ठंडी हवा की वजह से होता है एंड मूव टूवर्ड्स द साउथ ऑफ़ डेकन प्लेट्यू और तब ये ठंडी हवाएं साउथ में डेकन प्लेट्यू की ओर शिफ्ट हो जाती हैं दिस इज़ नोन एज द री मॉनसून इस सीज़न को या इस टाइम को रीट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है दिस मॉनसून, वाइल ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बेंगाल एंड पॉर्स एज रेन इन पेनसुलर इंडिया जब साउथ वेस्ट मानसून बैक होता है उस टाइम ये हवाएं इंडियन ओशन से होती हुई और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती हुई साउथ इंडिया में रेन करती हैं बारिश करती हैं द स्टेट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा गेट लेस रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के स्टेट्स हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ कम बारिश होती है बट रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून लेकिन बैक होते हुए मानसून से जो मानसून रिट्रीट हो रहा है दे गेट्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवम्बर नवंबर और अक्टूबर के मंथ्स में यहाँ रिट्रीटिंग मॉनसून से रेनफॉल होती है आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू स्टूडेंट्स इन दिस इमेज यू कैन सी द टू टाइप्स ऑफ एरो इन दिस इमेज द ब्लू एरो शोज़ हाई रेनफॉल एंड द रेड एरो शोज़ less rainfall when the wind blows from land to sea there is less rainfall in all parts of india and when the rain gets from arabian sea and spreads all over india it gets heavy rain splash i hope this image has been clear to all the students. Read this chapter at your home for your proper understanding and watch this video again and again. Bye bye, students. Take care of yourself.